आजकल एक खबर सामने आई है कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कच्चा द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। इसको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है और देश तोड़ने तक का भी आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए अपना हिस्सा श्रीलंका को दे दिया। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कच्चा द्वीप को लेकर क्या विवाद है, कच्चा द्वीप कहाँ पर है और इसको लेकर कांग्रेस सरकार क्या कहती है, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या आरोप लगाए हैं, क्या यह सही में भारत का अभिन्न अंग था, क्या इंदिरा गांधी ने इसे श्रीलंका को दे दिया था, क्या मुद्दा है, आइए इस पे हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास था और ये हमारे भारत के अभिन्न अंग रहा है, लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया था कि यह द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहाँ तो कुछ नहीं होता और ये कहते हुए माँ भारती का एक अंग को काट दिया था और भारत से अलग कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई ने RTI के जरिए इस द्वीप को सौंपने जाने को लेकर दस्तावेज हासिल किए हैं। दस्तावेजों के हिसाब से यह द्वीप भारत से 20 किलोमीटर दूर पर स्थित है और इसका आकार 1.9 वर्ग किलोमीटर का है। यह भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू के मध्य 285 एकड़ में फैला एक निर्जन स्थान है। यह द्वीप भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर रामेश्वर के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह वर्षों से इस द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों ने ही अपना दावा करते आए हैं। इस द्वीप पर सेंट एंटोनी चर्च है जिसका संचालन भारत और श्रीलंका दोनों की ईसाई पुजारी सेवा के जरिए करते हैं। इसमें भारत और श्रीलंका के दोनों श्रद्धालु तीर्थ यात्रा करते हैं। 2023 में लगभग 2500 भारतीयों ने त्यौहार के लिए रामेश्वर से कच्चा द्वीप की यात्रा की थी। ब्रिटिश राज के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था, लेकिन 1921 में भारत और श्रीलंका दोनों ने मछली पकड़ने का सीमा निर्धारित करने के लिए कच्चा द्वीप पर अपना दावा किया था। तमिलनाडु BJP प्रमुख अन्नामलाई ने संकेत दिया था कि कांग्रेस ने कभी भी छोटे निर्जन द्वीप को ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने एक बार यहाँ तक कहा था कि यह द्वीप पर अपना दावा छोड़ने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करेंगे। दरअसल 17वीं शताब्दी में यह द्वीप मदुरई के राजा रामनंद के जमींदारी के अधीन आता था, हालांकि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यह मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आ गया। इस द्वीप का इस्तेमाल मछुआरे किया करते थे, वहीं इस द्वीप को लेकर हमेशा तनाव बना रहता था। साल 1974 में इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के लिए हमेशा सुलझाने का प्रयास किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए 1974 में दोनों देशों के बीच में बैठक हुई। पहली बैठक कोलंबो में हुई थी और दूसरी नई दिल्ली में। इस समझौते को भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौता के रूप में जाना जाता है। उस समय जब बैठकें हुई थी तो भारत ने इस द्वीप को अपना अधिकार लेकर कई सबूत भी रखे थे। इन सबूतों में राजा रामनंद के अधिकार का भी जिक्र किया गया था। इंदिरा गांधी ने कच्चा द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। उस समय उन्होंने सोचा था कि इस द्वीप का कोई रणनीतिक महत्व नहीं है और इस द्वीप पर भारत का दावा खत्म करने से भारत और श्रीलंका के संबंध में मजबूती होंगे। इसके अलावा समझौते के अनुसार भारतीय मछुआरे को भी कच्चा द्वीप तक पहुँचने की अनुमति थी। इस समझौता में यह भी कहा गया कि मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय बिना वीजा के आ सकते हैं। इसके बाद 1976 में एक और समझौता हुआ। इस समझौता में कहा गया कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने वाले जहाज को लेकर श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जा सकते। फिर क्या था, इसके बाद विवाद भड़क गया। वैसे इस मुद्दे पर तमिलनाडु की बात करें तो राज्य विधानसभा से परामर्श किए बिना कच्चा द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। उस समय ही द्वीप पर रामानंद जमींदारी के ऐतिहासिक निर्णय और भारतीय तमिल मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने का अधिकार का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी के इस कदम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद साल 1991 में श्रीलंकाई गृह युद्ध में भारत के विनाशकारी हस्तक्षेप के बाद तमिलनाडु विधानसभा ने फिर से कच्चा द्वीप को पुनः प्राप्त करने और तमिलनाडु मछुआरों को मछली पकड़ने के अधिकार के बहाली की मांग की। तब से कच्चा द्वीप बार बार तमिल राजनीति में सामने आया था। आपको बता दूं कि यह मामला कोर्ट में भी गया था। 2008 में तमिलनाडु के पूर्व CM जयललिता ने अदालत में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि संवैधानिक संशोधन के बिना कच्चा द्वीप को किसी अन्य देश को सौंपा नहीं जा सकता है। याचिका में तर्क दिया गया कि 1974 के जो समझौता हुआ था उसमें भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने का अधिकार और आजीविका को प्रभावित किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी अपनी सफाई दी है। इस मामले में कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने सफाई दी है और कहा है कि जिन परिस्थितियों और संदर्भों में यह फैसला लिया गया उसे नज़रअंदाज कर कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। उनके अनुसार 1974 में उसी साल जब कच्चा द्वीप श्रीलंका का हिस्सा बना था तो सीमा भंडार नायके इंदिरा गांधी समझौते में 6 लाख राजविहीन लोगों के लिए मानव अधिकार और सम्मान सुरक्षित किया था।
जयराम नरेश आगे कहते हैं कि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने राज्य के जनता के ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बनाने के लिए एक आरटीआई की दायर की थी, जबकि महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर लाखों आरटीआई सवालों पर नज़रअंदाज किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। हालांकि कच्चा तिब्बू पर केंद्र सरकार की स्थिति नहीं बदली है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि द्वीप हमेशा से विवाद में रहा है, इसलिए भारत से संबंधित कोई भी क्षेत्र नहीं दिया जाएगा। हमारे द्वारा दी गई इस छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।